नहीं बन रहा है। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली स्लैम देने का प्रयास। अब चलिए पहला नॉक आएगा शैडो के द्वारा। तो शैडो ने वो पहला नॉक निकालेंगे सारिंग के द्वारा। दूसरा नॉक निकालने की कोशिश हो निंजा जॉट की बारी है कि क्लोजिंग करके प्लेयर्स को लिमिट करे। एक और प्लेयर को नॉक करने का प्रयास। निंजा जॉट को ओवर कमिंग नहीं करना चाहिए और इसी के साथ एक और नीड आएगा। लेकिन वो पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिए टीएक्स। तो आसानी से मुझे लग रहा है कि ये फाइट निकाल के लेके जाएंगे। चलिए वो चार फिनिश वाले जरूर है बस उनको रिवाइव किया जाएगा इनिशियली फेज के अंदर ही। फिलहाल यहाँ पे एरोबोस के फाइट के इनिशियली फेज के बारे में बात करें। एरोबोस के एक और प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे स्प्रे गॉड के द्वारा हुए एंड एलिमिनेट भी। फिलहाल एक और टीम को डाउन करने का प्रयास। एरोबोस के स्पाइक को यहाँ पे नॉक करने की कोशिश और स्प्रे। फिलहाल चलिए आप डायरेक्टली स्लैम करने का प्रयास। वहां पे टीएल के पहले प्लेयर को नॉक किया जाएगा। दूसरा प्लेयर को भी यहाँ पे प्लेयर टू को भी नॉक करने की। और इसी के साथ ये मुकाबला यहीं पे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। सो मैच